नावी भाव अदंतो अपंचम याहा का अदंत वे भावों से परे सुप का लुक न हो तस्य पंचमी बिना, किंतु सुप के स्थान में सप्तमी को छोड़कर हम आदेश स्यात्, हम आदेश कहे थे। रूप बनाने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्यो षष्ठी का द्विवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। अदंता तवे भाव तृतीया सप्तमी और बहुलम अम भाव स्यात्। अदंत अवे भाव समास वाले पदों से प्रातिपदिकों से परे तृतीय विभक्ति और सप्तमी विभक्तियों के स्थान पर बहुलकात अम आदेश हो जाएगा। अतः क्या हुआ, पंचमी में अम आदेश होगा ही नहीं, तृतीया और सप्तमी में बहुलकात होगा, और ऐसे भिन्न विभक्तियों में नित्य ही अम हो जाएगा, व्यवस्था हो गई। दृष्टान दे रहे थे गोपकृष्णम। दूसरा अर्थ क्या था, अव्यय विभक्ति समीप अर्थ में था, समीप कहते कृष्णस्य समीपम, विग्रह के क्या करेंगे, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप, इस अर्थ में हम अव्यय भाव समास करने जा रहे हैं। अश्वपद विग्रह वाक्य यहां भी, क्योंकि इसका विग्रह के लिए अलौकिक विग्रह के बाद अलौकिक विग्रह में कृष्ण दस समीप अर्थ में ऊपर आ गया, समीप अर्थ में ऊपर रहेगा कृष्णांगस ऊपर। इस ऊपर का उपसर्जन संज्ञा होगा, क्योंकि पहले आपने इस सूत्र क्या किया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धता भाव सूत्र से समास कर दिया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृतधिता समासाश्च, प्रातिकत्वात् सुब्लुक् सुबोधातो प्रातिपदिकयोः, तो कृष्ण उप प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्, उपसर्जन संज्ञा उपगा उपसर्जनम् पूर्वम्, तो उप कृष्ण हो गया। एक देश प्राच संज्ञा मान करके स्वाद उत्पत्ति हुआ, तब आपने कहा स्वादियों में पंचमी में क्या होगा, अमादेश होगा ही नहीं, और तृतीया एवं सप्तमी में बहुलकात माने विकल्प से, और शेष विभक्तियों में क्या होना है, नित्य अम होगा। पंचमी में अदंत अवे भाव समास है ना, ये अवे भाव से नपुंसक लिंग हुआ, नपुंसक दीर्घ होता तो रसो नपुंसक प्रातः रस हो जाता, और अवे भाव से गौर सूत्र जो अव्यय संज्ञा कर रहा तो उसका अपवाद कर दिया, न अवे भावाद अतो अम त्वपंचम्याः, इस सूत्र अपवाद करके पंचमी को छोड़कर बाकी विभक्तियों में अम आदेश कर दो, फिर उसको भी विकल्प कर दिया तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया और सप्तमी विकल्प से हो, तो शेष व्यक्ति कौन बच गया, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी पंचमी नहीं पंचमी नहीं नित्य कर दिया ना, निषेध कर दिया, षष्ठी चार हो गया, तीन में ये नियम बना लिया है आपने, पंचमी हम होगा ही नहीं, तृतीया सप्तमी विकल्प से होगा, और प्रथमा द्वितीय चतुर्थी में नित्य ही हम होगा, रूप क्या बनेगा, उपकृष्टम 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 उपकृष्टम, प्रथमा में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, द्वितीया में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, तृतीया में उपकृष्टम उपकृष्टेन उपकृष्टम उपकृष्णाभ्याम उपकृष्ण उपकृष्टम उपकृष्टैः, चतुर्थी में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, पंचमी हम होगा ही नहीं, उपकृष्णात् उपकृष्णात् उपकृष्णाभ्याम उपकृष्टेभ्यः, षष्ठी में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, सप्तमी में विकल्प उपकृष्टम उपकृष्टे उपकृष्टम उपकृष्टयोः उपकृष्टम उपकृष्टेषु, इस तरह से अदंतों में उन्होंने व्यवस्था कर दी।
और बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे अदंत, सभी ऐसे ही समझना। अगला वाला भी दृष्टांत जो है वो अदंत का ही है। मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश वासियों का समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि विग्रहवाक्यों का, मद्राणाम समृद्धि। मद्रा आम सृष्टि का बहुत है ना, मद्राणाम और समृद्धि अर्थ में सु, मद्रा आम सु। पूर्वत अव्यविभक्ति समृद्धि समास हुआ, समास समास प्रासंग प्रातिपदिक सुभदा हो गया, तो मद्र ये जो सु है सुविभक्ति नहीं समझना, तो उपसर्ग सु है जिसकी अवय संज्ञा और रखा है कि सर्द में अवय सु समृद्धि अर्थ, तो मद्र सुर हो गया और उसको प्रथमान समास से सु का उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग पूर्ण से प्राग प्रयोग हुआ, तो प्रातिपदिक क्या बन गया सुमद्र। ये भी अदंत होने से पूरा अव्यवस अव्य संज्ञा न करके अव्यवस नपुंसकलिंग होगा और नावे भाव धातो हम त्वपंचम्याः तृतीय सप्तमी और बहुलम, इन सूत्रों की सहायता से यही नियम लग गया अदंत पंचमी में हम होगा ही नहीं, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी षष्ठियों में हम नित्य होगा, तृतीय और सप्तमी में हम विकल्प हो जाएगा। तो सुमद्रम सुमद्रम सूत्रम सुमद्रमिति प्रथमा, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रमिति द्वितीया, सुमद्रम सुमद्रेण सुमद्रम सुमद्राभ्याम सुमद्रम सुमद्रैः इति तृतीया, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रमिति चतुर्थी, सुमद्रात् सुमद्रात् सुमद्राभ्याम सुमद्रेभ्य इति पंचमी, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रमिति षष्ठी, सुमद्रम सुमद्रे सुमद्रम सुमद्रयोः सुमद्रम सुमद्रेषु इति सप्तमी। यवनानां वृद्धिः अगला दृष्टान्त है यवनानां वृद्धिः, ये भी अदंत बनेगा। यवनानां विगतार्थिः इति वृद्धिः, यवनों की वृद्धि नष्ट हो गई है, गरीब हो गए हैं, अमीरी गई गरीबी आ गई है, मद्रों में अमीरी बढ़ गया था, मद्राणाम समृद्धि ही। मद्र देशवासी कौन है, आगे तमिलनाडु मद्रास है ना, मद्र से मद्रास, मद्र देशी तो पत्नी थी कृष्ण का भी, एक आठ पत्नियों में से एक पत्नी मद्र देशी थी, तमिलनाडु की थी, हाँ विदर्भ से भी एक थी, महाराष्ट्र का भी एक थी, अष्ट प्रकृति है, उनको अष्ट पत्नी के रूप में रखे थे ना भगवान ने, आठ प्रकृति है ना भगवान की, भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा गीताजी में कहा है, इसलिए भगवान कृष्ण की आठ पटरानी भी हुई, वह आठ पटरानी में अष्ट प्रकृति। तब देखो मद्र से गया वो तो यवनाना वृद्धि ही, तो यवना आम और वृद्धि अर्थ में क्या लोगे आप, दुर दुर्गति है ना, अभी है उनका समृद्धि गई गरीबी आई में दुर्गति को प्राप्त करके, इसे दुरुपसर्ग विनष्ट वृद्धि को बताने के लिए दुरुपसर्ग, उसकी अव्यय संज्ञा है, प्रक्रिया वही रहा अव्यय विभक्ति समृद्ध्यर्थ है, उससे क्या हो गया समास अविभाव समास, समासत्वात् कृत समास प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिकात् शुभ धातु प्रातिपदिक, क्या होगा आम का लोप हो जाएगा लुक, तो यवन दुर स्थिति रहा। तो प्रथमानुष्टम समास उपसर्जनम से दुर्ग उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया, दुर्यवन रह गया दुर्यवन, ये भी अदंत है पूर्वत प्रक्रिया, इसलिए अव्यय भाव से प्राप्त अव्यय संज्ञा को बात करें, दूसरा जो अव्यय भाव से नपुंसक लिंग हुआ, नपुंसक अदंतत्वात् अम आदि सर्वत्र प्राप्त प्रथमा के एकवचन मात्र में प्राप्त था, उसे बात करने ने क्या कर दिया न वे भवाद अतोम तो पंचम्यः तृतीय सप्तम सप्तम बहुलम, दो सूत्रों से व्यवस्था प्रदान करते हुए अदंत दुर्यवन शब्द से प्रथमादित्य चतुर्षष्ठी में नित्य ही हम होगा, पंचमी में हम नहीं होगा, तृतीय और सप्तमी में विकल्प से होगा, क्या बनेगा इसलिए दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवन प्रथमा, दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवन द्वितीया, दुर्यवनम दुर्यवनेन दुर्यवनाभ्या दुर्यवनम दुर्यवनाभ्याम दुर्यवनम दुर्यवनैः इति तृतीया, दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवनमिति चतुर्थी, दुर्यवनात् दुर्यवनात् दुर्यवनाभ्याम दुर्यवनेभ्यः इति पंचमी, दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवनमिति षष्ठी, दुर्यवनम दुर्यवने दुर्यवनम दुर्यवनयोः दुर्यवनम दुर्यवनेषो इति सप्तमी। इस प्रकार से सभी का रूप समझते जाना।
आप ऐसे जगह की बात कर रहे हैं मक्षिकाणाम अभाव अर्थाभाव में दृष्टांत दे रहे हैं प्रत्येक का क्यों कितने अर्थ आए थे वहां 16 अर्थ थे प्रत्येक अर्थ में एक दृष्टांत दे रहे हैं यहां पर विभक्त अर्थ में अधिहरि दिया था समीप अर्थ में उपकृष्णम समृद्धि अर्थ में सुमद्रम वृद्धि अर्थ में दुर्यवनम और अब अर्थाभाव किसी पदार्थ का भाव लेना है या दृष्टांत किसका भाव ले रहे हैं मक्खियों के अभाव ले रहे हैं मक्षिकाणाम अभाव मक्षिकाणाम अभाव मक्खियों का अभाव ऐसा जगह है जहां एक भी मक्खी नहीं है कहां है दुनिया में पेरिस नगरी है पेरिस एक नगर है शहर है जहां न मक्खी न मच्छर कभी होते हैं आज तक ऐसे ही सुरक्षित उसको संभाले हुए हैं मक्खी मच्छर कभी नहीं होते पूरी शहर ऐसा मेंटेनेंस है उसका दवाएं छिड़कते हैं क्या क्या करते दुनिया भर वो ये मक्खी मच्छर कभी कहीं देखने को मिलेगा नहीं पूरी परेशान तो है ऐसे भी क्षेत्र आज भी दुनिया में इसलिए संस्कृत में अनादिकाल में शब्द बना दिए हैं दुर्मक्षिकम निर्मक्षिकम तो मक्षिकाणा वा मक्षिका निर पूर्व सारी प्रक्रिया कहना पड़ेगा मक्षिकाणाम अभाव इति अर्थाभावे अर्थाभावे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि अर्थाभाव इत्यादि सूत्रेण समासे कृते अव्यय भाव संचक समासे कृते मक्षिका अम निर इत्यत्र अलौकिक वग्रवाक्य कृत समासाचन प्रासंग्यान कृते सति सुबोधात प्रातिपदिक इत्यनेन सूत्रेण सुपि रूपी कृते यवना निर इत्यवस्थायां मक्षिका निर मक्षिका निर रहेगा मक्षिका निर इत्यवस्थायां प्रथमानुष्टुप समास प्रसंगेन सूत्रेण निर इत्यस्य उपसर्ग संज्ञायां कृते तस्य च उपसर्गं पूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण प्राक् प्रयोगे सति निर मक्षिका इत्यवस्थायां निर्मक्षिका अविभावचित सूत्रेण अस्य शब्दस्य नपुंसकत्व नपुंसलिंगे स्वीकृते सति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वे कृते निर्मक्षिक इत्यस्यां दशायां एकदेशिक कृतमनवति न्यायेन तस्य प्रातिसंज्ञा कृते तदा ज्ञा प्रातिपद प्रत्ययपरश्चैतन सूत्रत्रयाधिकृत्य सूत्रत्रयमधिकृत्य प्रथमायाः एकत्वकक्षायां द्वेकी और द्विवचनी वचन सूत्रेण सुप्रत्यय जाते तस्य स्थाने नपुंसकत्वात् अम् आदेशस्य कर्तव्य अव्ययभाव संज्ञा विशिष्टात् एतस्मिन् शब्दे नाव्ययभावात् अतन्तो पञ्चम्या इत्यनेन अदंतत्वात् नित्यव्यय संज्ञा कृते अपि ततः सुब्लुग् न स्यात् नावेभावात् इति सूत्र निर्देशात् एतादृश अदंतवे भाव संज्ञक प्रातिपदिकात् परस्य सुपो लुग् न स्यात् अपितो व्यवस्थया पञ्चम्या मम आदेश न कर्तव्या तृतीया सप्तम्योश्च वैकल्पिकेन मम आदेश कर्तव्ये सति तद्भिन्नेषु प्रथमा द्वितीया चतुर्षष्टिषु विभक्तिशो नित्यमेव माधिकृते रूपं जायते निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षिकम् इति प्रथमा निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षम् इति द्वितीया निर्मक्षिकं निर्मक्षिकेण निर्मक्षिकं निर्मक्षिकाभ्यां निर्मक्षिकं निर्मक्षिकैः इति तृतीया निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षम् इति चतुर्थी निर्मक्षिकात् निर्मक्षिकात् निर्मक्षिकाभ्यां निर्मक्षिकेभ्यः इति पञ्चमी निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षम् इति षष्ठी निर्मक्षिकं निर्मक्षिके निर्मक्षिकं निर्मक्षिकयोः निर्मक्षिकं निर्मक्षिकेषु इति सप्तमी इत्येवं कृत्वा निर्मक्षिकप्रातिपदिकस्य रूपाणि सिद्धानि भवन्ति संस्कृतभाषा हिमस्य अत्य अब अत्यर्थ में भी हमें क्या करना है अव्ययभाव समास करने जा रहे किसका अत्यय हो रहा है हिम का अत्यय हो गया हिम का नाश हो गया गर्मी हुई बर्फ पिघल गया
उसका कहते हैं हिमस्यात्यय, हिमस्य स्वरूपतः नाशः, बर्फ का नाश होना। अत्यय अर्थ में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? अति। हिमस्य अत्यय, हिमा दस अति, अति उपसर्ग है, इसका अव्यय संज्ञा है, हिमागस अति। अब क्या करेंगे? अव्यय विभक्ति इत्यादि सूत्र से समास अव्यय भाव समास, समासत्ता प्रातिपदिकता सुप्लुप्त हो गया, हिम अति रह जाएगा। प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से अति को उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से प्राक प्रयोग अति हिम। अदंत अव्यय भाव समास होने से है ना, अदंत अव्यय भाव समास होने से नावे भाव धातु अंत्व पंचम्याः सूत्र लगेगा और तृतीया सप्तम्योर बहुलम, अतएव पूर्व सकल कार्य हो गया अतिहिमम 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 अतिहिमेन अतिहिमम अतिहिमाभ्याम अतिहिमम अतिहिमैः अतिहिमम 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 अतिहिमातमिः अतिहिमात् अतिहिमाभ्याम अतिहिमेभ्यः अतिहिमम 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 अतिहिमे अतिहिमम अतिहिमयोः अतिहिमम अतिहिमेषु इति निरुपन्न हिमस्य अत्यति अतिहिमम। अब असंप्रति अर्थ में लेना है, असंप्रति अर्थ में निद्रा संप्रति न युज्यते इति निद्रा असंप्रति, निद्रा पाठ में करना उचित नहीं होता। पढ़ाई हो रही है, आप जो है उंगन कर रहे हो, ठीक नहीं है। निद्रा संप्रति पाठकाले अध्ययन काले न युज्यते इति अतिनिद्रम, शब्द क्या बना? अतिनिद्रम। निद्रा संप्रति न विद्यते में विग्रह वाक्य क्या होगा? निद्रा प्रथमांक ले रहे हैं हम, सुविभक्ति आई है, उससे पर में क्या लेना है? असंप्रति अर्थ में अति, शब्द क्या बनेगा? अति निद्रा। अवय भाव नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग अस्व नपुंस के प्रातिपदिक अतिनिद्रा, अतिनिद्रा बाकी पूर्वोद्गार्य अदंत अवय भाव समास हो गया। अम जो सर्वत्र प्राप्त है, पंचमी में निषेध हुआ, तृतीय और सूत्र विकल्प होगा, अतिनिद्रम 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 इत्यादि पूर्वद्रूपाणि भवन्ति। कितने उपसर्ग है आपके पास? बाईस। अर्थ कितने हैं दुनिया में? हजारों हैं। इन हजारों अर्थों को तो बताने के लिए बोल भी नहीं रहे हैं अभी, अभी तो केवल सोलह अर्थ की बात कहा। कौन से सोलह? विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ दाव, ये तो कहा है। इन अर्थों के लिए हमें बाईस ही उपसर्ग हैं, उन्हीं को उपयोग करना है, और जहां लोग प्रसिद्ध शास्त्र प्रसिद्ध है, जिस अर्थ में जैसा है वैसे उसको जोड़ लेना है। अतिनिद्रा अतिनिद्रम 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 अतिनिद्रेण अतिनिद्रम अतिनिद्राभ्याम अतिनिद्रम अतिनिद्रैः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। हरिशब्दस्य प्रकाश शब्द प्रादुर्भाव, अगला क्या है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव, क्या शब्द प्रादुर्भाव हो गया? हरि, यह शब्द का प्रादुर्भाव हो गया का मतलब किसी ने हरि ऐसे उच्चारण किया और उसके क्या उच्चारण आपके कान में पड़ गया और इसलिए आपके लिए क्या हो गया? हरि शब्द प्रकाशित हो गया। कोई बोल रहा है, खुद भी बोलोगे तो भी खुद का बोला खुद को सुनाई देता है ना, कोई दूसरा ही बोलेगा तो सुनाई देगा क्या? खुद का बोला तो खुद को सुनाई देता है। इसलिए कई लोगों का गाना गुरु की क्या जरूरत है, गुरुमुख से सुनने के लिए तो गुरु की जरूरत बोल रहे हैं। जब खुद का बोलो खुद सुन सकता हूँ तो खुद ही गुरु बन जाऊंगा, क्या जरूरत किसी को मुख से सुनने का, खुद बोलो खुद सुन लूंगा, हो गया खुद ही गुरु, खुद ही चेड़ा, क्यों चलेगा ना? नहीं चलेगा, खुद गुरु खुद चेड़ा नहीं चलेगा है? नहीं नहीं, आत्मा इसका दोष नहीं है, यहाँ कर्तृत्व तो है नहीं, श्रोतृत्व तो श्रोतव्यत्व है ना, तो क्या दिक्कत है? कर्तृकर्म का विरोध होता है, हम वेद को तो कर नहीं रहे ना, उपनिषद को वेदांत को तो निर्माण नहीं कर रहे हैं, कृत का हम उच्चारण करके वो सुन रहे हैं, गुरु भी क्या करेगा, कृत का ही तो उच्चारण कर रहा है। तर्क तो आदमी का ठीक है, तर्क तो आदमी का ठीक, श्रवण ही करना है,
दूसरे का उच्चारण करो, उसको श्रवण करो, खुद का उच्चारण को श्रवण करो, तर्क तो ठीक दे रहा है इन श्रुति विरुद्ध। श्रुति ने क्या कहा, श्रोत्यम ब्रह्मिष्टम गुरुमेव अभिगच्छेत कहा गया, उसके पास जाओ बोला, अर्थात स्व से भिन्न होगा ना, स्व से भिन्न होगा, अतः स्वयं उच्चारण कर स्वयं श्रवण कर स्वयं गुरु बन जाए नहीं हो सकता है, श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। हेतु इसमें क्या है, श्रुति विरुद्धत्व। हरि शब्द से प्रकाश, ये विक्रम वाक्य में शब्द क्या बना, इति हरि, हरि शब्द प्रातभाव अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं आप, है ना, अपे का प्रयोग कर रहे हैं, उपसर्ग नहीं ले रहे अभी, इति इस अवे का प्रयोग कर रहे हैं, इति एक अपे है, उस अवे को शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। समास हुआ, सुब्लुक हो गया, हरि इति रहा, इति का उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग का प्राग प्रयोग हो गया, प्रातिपदिक क्या बन गया, इति हरि, और इति हरि आदंत नहीं है, इसलिए वो सब कुछ लगेगा नहीं अब, है ना, ना वे भाव इत्यादि सूत्र लगेगा नहीं, जैसे आदि हरि बनाए थे वैसे अति हरि नहीं, इति हरि, इति हरि में क्या होगा, इसलिए पूरा शुभ लुक हो जाएगा, पूरा शुभ तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सकल विभक्तियों में शुभ पाया और चला गया, शुभ पाया और गया, तो अति हरि इति 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 हरि अति हरि हरि, और इति हरि बोलते रहना सकल विभक्त सकल वचन, कम से कम 21 बार बोलोगे साथ भक्तियों की, 21 बार जपतोगे भगवान का नाम, इति हरि इति हरि इति हरि इति हरि इति हरि इति हरि, आप पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में उसका पीछे, अमुक का पीछे जा रहा है, किसका पीछे जा रहा है, विष्टो हो पश्चात इति अनु विष्णु बना, विष्णु हो पश्चात, विष्णु का पीछे चलने वाला, विष्णु का अनुकरण करने वाला, विष्णु का पूजा पाठ उपासना आदि करने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, अनु विष्णु, पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग, विष्णु गस नहीं, विष्णु गसी पंचमी, विष्णु गसी अनु, गसी गलुप विष्णु अनु, अनु का प्राप्रयोग अनु विष्णु बन गया। अव्यय भी अदंत नहीं है, उदंत है, यहां भी इसलिए सर्वत्र क्या होगा, वो जो अव्यय प्रकरण में है अविभाव सूत्र से अव्यय संज्ञा होगा, अव्यय संज्ञा होकर अव्यय आप सुप से पूरा सुप लुक हो जाएगा, अनु विष्णु 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 अनु विष्णु, सब ऐसे हो जाएगा, केवल अदंत में व्यवस्था हुई, इदंत उदंत रिदंत आदियों में सब लुक हो जाएगा, सकल विभक्ति सकल वचन सकल लिंगों में लुक हो जाएगा अनु विष्णु। अब यथा के अर्थों में बताया था, यथा के चार अर्थ होता है, यथा शब्द का चार अर्थ, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनधिवृत्ति और सादृश्यानी, यथा शब्द का चार अर्थ दिए पुस्तक में मूल में, यथा शब्द से योग्यता वीप्सा पदार्थ अनधिवृत्ति सादृश्य यथार्थ, सबसे पहले योग्यता, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, ये तो होता है अनुरूप होना चाहिए, स्वानुरूप होना चाहिए, अपने अनुरूप का मतलब क्या, अपने रूप के अनु, आपके अपने रूप के योग्य, इसे रूपस्य योग्यम, स्वस्य रूपस्य योग्यम यत्तत् अनुरूपम, यहां पर क्या हो गया, योग्य अर्थ में यथा शब्द का अर्थ योग्य योग्यता, उस अर्थ में आपने अनु उपसर्ग ला गया, रूप नस षष्ठी में, रूप नस अनु, गस को लुक हो गया, रूप अनु, अनु को उपसर्ग संज्ञा प्राग प्रयोग, अनुरूप और अनुरूप अदंत है, अदंत शब्द होने के नाते वो सब नियम लग गए यहां पर भी, अनुरूपम 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 अनुरूपेण अनुरूपम अनुरूपाभ्याम अनुरूपम अनुरूप ही अनुरूपम 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 अनुरूपात अनुरूपात अनुरूपाभ्याम अनुरूपेभ्या अनुरूपम 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 अनुरूपे अनुरूपम अनुरूपयो अनुरूपम अनुरूपेषु, अदंतत्व केवल अदंत में विशेषता ध्यान रखना है,
इधर उधरता में सारा सुख दुख हो जाता है, योग्यता अर्थ में हो गया। और विपसा अर्थ में अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति ये विग्रह वाक्य कर दिया, अर्थम अर्थम प्रति किस अर्थ में विपसा, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती थी प्रति वृक्षम सिंचती, प्रत्येक पेड़ को जल देता है, यानी कि एक पेड़ का नीचे पाइप रख दिया और आपस सबको लिंक जोड़ देता है, आजकल लोग थोड़ा सा मिट्टी खोद दिया यहां झड़क दिया तो सारे पेड़ अपने आप जा रहा है, आप नहीं दे रहे हैं ना, आप स्वयं जाके देने में पेड़ खुश होता है, ऐसे छोड़ने में पेड़ खुश नहीं होता, फल नहीं मिलेगा ठीक से, मिलेगा तो कौवे खा जाएंगे, मेहनत करना पड़ता है, उन्हें भी प्यार देना पड़ता है, पौधे हैं जीव हैं बोल नहीं सकते हैं। नहीं आपका बच्चा होता है तो बच्चा रोता है ना, आप उसे उठाते हो प्यार करते हो, अब पौधे पर पानी पड़ रहा है धूप पड़ रहा है हवा लग रहा है कोई पत्थर मार रहा है कोई कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ रहे उड़ रहे हैं और रोता भी है तो आपको पता क्या चलता है, आपके बच्चे के ऊपर एक चींटी चलने लग जाए बच्चा रोने लगता है, उसे पता नहीं क्या चढ़ गया रोता है, आवाज में जाएंगे फिर उसके तो माँ बाप कोई ना कोई जाएंगे वो चींटी हटाएंगे तो प्रसन्न होता है बच्चा, नहीं पेड़ पौधों पर कितनी चींटी चढ़ रहे हैं क्या क्या हो रहा है, वो रो भी रहा है कुछ भी बोल रहा है आपको पता ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, तो फल देता है कि नहीं देखते रहेंगे कब फल देगा, और रोया कितना वो नहीं देखेगा कोई, और हंसा कितना कौन देखेगा, प्रसन्न कितना देर था नहीं था कितना मालूम, वो सब फल पर असर करेगा ना, सब असर करेगा फल पर, आजकल पौधों को इंजेक्शन दे देते हैं, हाँ पेड़ों को इंजेक्शन देते हैं दवाइयाँ देते हैं, वो सब महसूस तो करता है वो भी, उसका असर फल में आएगा, उसको हम खाएंगे उसका असर हमारे मन में जाएगा, इसलिए अपने हम लोगों का मन सब खराब हो गया है क्योंकि अन्य खराब हो रहा है, अन्य गड़बड़ है, इसलिए अन्न तो गड़बड़ रहेगा ही, अब अन्न को तो कोई शुद्ध नहीं कर पाएगा संसार में, गया अन्न शुद्धि तो भूल जाओ, शुद्ध अन्न मिल नहीं सकता क्योंकि गोबर डाला है खाद डाला है यूरिया डाला है दवाया डाले हुए हैं पता नहीं क्या क्या डाला है कैसे कैसे किया पता है, मुंबई वगैरह में तो बस आम मुद के खाना पड़ता है कि जहाँ सब्जियाँ उगते हैं ना वो देख लोगे तो सब्जी नहीं खा सकते, पूरे बॉम्बे का टट्टी पिशाब उसी खेती में जा रहा है सब्जियों का खेती में, सारा मल मूत्र से ही सब्जियां उग रहे हैं, कितने तमोगुणी सब्जी होगा वो, इसे शहर वाले सब तमोगुणी हो जाते हैं, बहुत कठिन था, सात्विक आहार दो अन्न शुद्धि तो इस समय मुश्किल ही है, इसलिए क्या करना पड़ता है शुद्धि के लिए अनुभव भगवान का नाम लेते हुए खाना पड़ता है, अपवित्र पवित्र वा सर्वा सस्यांग दोपिया स्मृत पुंडिका सभायाभ्यंतर श्रुति सभायाभ्यंतर श्रुति है ना, पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात, ऐसे शुद्ध करना पड़ेगा जल से भोजन को, फिर खाते भी ओम नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा, और कोई रास्ता ही नहीं वो अन्न को शुद्ध करने का, कोई भी मंत्र लो भगवान का नाम लो और खाते जाओ, और ये भावना करो हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का हवन कुंड क्या है यहां पेट, अग्नि कौन है अहम वैश्वानर भूत्वा, कहा है ना भगवान ने खुद ही तो वैश्वानर अग्नि बैठा होगा, वही आप क्या हवनी अग्नि है, हृदय से उसको दीप्त कर दो भावना करके उसमें स्वाहा स्वाहा डालते जाओ मंत्र के साथ, हो गया छुट्टी, आपने खाया ही नहीं तो आपका पवित्र कौन करेगा, ब्रह्मार्पण ब्रह्म ही ब्रह्मा बोल देना ब्रह्मार्पण वस्तु करके समाप्त कर देना, ठीक है नहीं, अमृत अमृत उपसरण इस पहले प्राणाय स्वा पाना है बोल करके अमृत उपसरण से खाते स्वाहा डर दे गए और अंत अमृत प्रधान में से स्वा और जल लगे ब्रह्मार्पण मस्त पांडुरंग अर्पण मस्त कृष्ण अर्पण मस्त जिसका जो देवता तद अर्पण मस्त करके जल छोड़ देना, गया उसकी भी हमारा कुछ नहीं गया, हमारा कुछ ना हम खाए ना हम बीमार हैं
ना कुछ होएगा, अपने को लेन देन नहीं रहेगा ना, करते तो भोगते तो खत्म, खाया जिसने भोगेगा वो ना, हम तो खाए ही नहीं तो भोगेंगे क्यों, खाया किसने, भगवान ने खाया तो भगवान जाने उसके काम, हमने तो भगवान के नाम पर भगवान को दिया ना, शिवाय स्वाहा बोलते गए, खिलाते गए, अब वो जाने उसका क्या होगा अंदर में। तो सबसे बढ़िया है, और ये जो लोग करते हैं आजकल ना टीवी के सामने बैठ के खाना, वो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल गलत है, गप्पे मारते खाना है, महात्मा लोग जैसे कार बैठ जाएंगे गप सप मारते हुए खाते हैं, वो भी गलत है, वो तो और गया, वो तो बेकार है, पशु है आदमी नहीं, एक थाली में चार बैठ के खा, दस बैठ के खा जाते, बल्कि ऐसे भी गऊ को हमने देखा, एक हौद में जो डाला हुआ है, किसी एक गौ ने आगे मुंह डाल दे तो दूसरा गौ से मुंह नहीं डालता, चल ऐसे देखा मैंने, हाँ गाय हमने आंखों से देखा, हरे आश्रम में हम थे वहां देखा हो गाय को, जो उस अलग अलग हौद बने हुए थे इसलिए गाय भोजन का खन अलग अलग सीमेंट का बना हुआ था, उसे डाल दिया और दूसरे गाय को पहले उसको खिलाकर फिर उसको उधर ले जाओ उस गाय को, और वो अपना ओरिजिनल लाएगा ना, सूंघ कर क्यों करेगा वो, नहीं नहीं ये हमारा नहीं, वो खड़ा रहेगा खाएगा नहीं भूखा रहेगा, फिर बुरा निकाल के पूरा धोना पड़ेगा उसके सामने, क्या निकाल किसी से डाल देगा तब भी नहीं खाएगा, गए जूठा कर तो नहीं क्यों डाला, कितनी गाय को समझदारी थी, वो सोच रही है जूठे बर्तन में डाल दिया नहीं खाएगा, धोया सब साफ सुथरा करने के बाद जो उसको देखा उसको भी सुंघाया, देख भाई हमने धुला धो दिया है, यूं यूं करता है गाय, तो फिर डाला हरा चारा तब खाने लगे, उससे भी घटिया आदमी है ना जो एक थाली में खा रहा है, मनुष्य आकर पशु से भी खराब मानने के बाद कहना हमसे सब बुद्धिमान कोई नहीं है कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य अपने आप को मानता, अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थ सु वीप्सार्थ में प्रत्युपसर्ग हो गया, अर्थ सु वीप्सार्थ में प्रति का प्रयोग हो गया, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धिर्था भाव सूत्र से समास व विभाव समास, समासत्वात् कृत समास से प्रातिपद संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुख धातु प्रातिपद सुभलुक हो गया, तो स्थिति क्या रहा अर्थ प्रति, स्थिति में क्या करेंगे प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जन संज्ञा प्रति का उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा वाला प्रति का क्या होगा उपसर्जनम, पूर्वम से उसका प्राग प्रयोग हो गया प्रति अर्थ, इको यानी प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ अदंत होने के नाते अवे संज्ञा नहीं करूंगा, किंतु अवे भाव से कुछ नहीं होगा, नावे भावाद अतो अम त्वपंचम्या सूत्र से अमादि आदेश का विधान हो गया, तृतीय सप्तम्य बौड़म से तृतीय सूत्र विकल्प हो गया, रूप बना प्रत्यर्थम 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 प्रत्यर्थेन प्रत्यर्थम प्रत्यर्थाभ्याम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थैः इत्यादि, विप्सार्थ होगा, अब पदार्थम अनतिक्रम्य अपनी सीमा का उल्लंघन न करके, इस अर्थ में यथाशब्द के भी एक अर्थ है, यथाशब्द का पहला अर्थ हो गया योग्यता, दूसरा अर्थ हो गया वीप्सा, तीसरा अर्थ हो गया स्व पदार्थ का अनतिक्रमण करके, पदार्थ का अनतिक्रमण का मतलब क्या, जिस किसी का भी नाम ले लो उसका अतिक्रमण नहीं करना, जैसे शक्ति सबके पास कुछ ना कुछ शक्ति है, हम यही कहेंगे भाई आप अपनी शक्ति को अतिक्रमण करके काम करना नहीं, जितना शक्ति है उसके अनुसार करना चाहिए ना, और शक्ति को अतिक्रमण करेगा तो क्या होगा बीमार हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य संभावनाम अनतिक्रम्य यथा संभवम, कहते ना यथा संभव काम कर लेना, उचितम अनतिक्रम्य यथोचितम कुरु, हम लोग कभी कभी पत्र लिखना पड़ जाता था पहले, लोग आज दे महाराज एक पत्र चिट्ठी लिख के दे दो हम वहाँ जा रहे हैं आपका परिचय है, हम यही लिखते थे वहाँ इसमें यथोचित
यथासंभव परिस्थिति के अनुरूप। हमें नहीं कह रहे हमारे आदमी जो है उसको कमरा देना ही चाहिए, नहीं नहीं, आप सोचिए परिस्थिति के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप यथासंभव और यथा उचित। आदमी को भी देख लेना जो हम भेज रहे, पता है वो कैसा है, हमारा नाम देख के आ रहा है, लेकिन आप देखिए उचित समझते हैं यथोचित व्यवस्था कर देना, ये लिखता था अंत में। अब ऐसे लिखने के बाद जब पढ़ता तो परेशान होता था, कैसे निर्णय ले कि देख करके तो पता नहीं चलता, इसके लिए उचित ऐसा जो आदमी देखने में तो यात्रा में आते हैं तो वैसे भी कपड़ा सपड़ा गंदा हो ही जाता, पता नहीं चलता आदमी का क्या है, देखने में जो आते सब चोर जैसे दिखता है, कितना सुंदर होता है, तो क्या करें, क्या कौन सा कमरा दे, वीआईपी दे, नॉन वीआईपी दे, एसी कमरा दे कि डीसी कमरा दे, कौन सी कमरा कौन सी कमरा दे, बड़ा परेशानी होती है। बड़े आश्रम वाले लोग यही सोचते हैं कौन सा दे इनको, इंद्रिक तो ऐसे दिया है, यथोचित देना पड़ेगा, यथासंभव परिस्थिति के अनुरूप सोच के दीजिए। आपके यहाँ कोई उत्सव हो, भेड़ भड़ाका हो तो इसलिए सब हम कंडीशन डाल देते भाई, कोई हमारी मजबूरी जबरदस्ती नहीं है, आप ये सब पॉइंट पर चिंतन करके इसको जहाँ चाहे वहाँ दे दो, चाहे वरांडा में दे दो, चाहे बाहर में खड़ा कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो मजबूरी से बढ़िया कमरे ही देते थे। इसलिए तो ऐसे लिख दिया, अब फंस गए वो बेचार, क्या करें, कुछ नहीं लिखते तो बोलते कहीं पर डाल दो इसको। शक्ति अतिक्रम्य पदार्थ का अनतिक्रमण ना करते हुए करो आप। वो आदमी बेचार गले में फंस जाते, वो कई कोठार ने मेरे को फोन किया, महाराज ऐसे पत्र में लिख करके मत भेजना, मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। अब आपने लिखा है और हम यदि जो गड़बड़ देते हैं फिर आपके पास जाके बोलेंगे भगत कि वहाँ हमको ऐसी जगह मिला था, फिर आप सोचेंगे देखो उचित नहीं दिया, फिर मुश्किल है। और बढ़िया दूँ और आदमी गंदा संदा करके चला जाए तो मुश्किल है। सब तरह से परेशानी हो जाती है। ये लेखनी में ना सबसे बड़ा लेखनी, किसी को मारना है लेखनी, आप गोली से मारिए मत, गोली से मार तो क्या हो गया, एक क्षण में खत्म, कहानी मिट गया। लिखो एक पत्र और ऐसे मार दो तीर, वो जिंदगी भर अंदर कुट 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 होते रहेगा जिंदगी भर, ऐसी मन का मौत है वो। और लेखनी से किसको धनी भी बना, एक जीरो किसको मान लो 50,000 देना है आपने, एक जीरो बढ़ा दिया लेखनी ने, 5,00,000 गया ना, तो अमीर हो जाएगा। लेखनी का कमाल है सब, किसी को ऊपर चढ़ाना है प्रशंसा पर प्रशंसा लिख देगा, प्रशस्ति पत्र देते ना लोग, प्रशस्ति पत्र देते लंबा चौड़ा लिख देते हैं, मुकम मुकम यूजनियावर विशेषण, जो आपने भी नहीं जानते तो भी विशेषण आपके लिए दे देते हैं लोग। मालूम नहीं रहता, लिखने वाले को भी पता नहीं, लेने वाले को भी पता नहीं। एक पंचानन कानन, पंचानन कान लंबा चौड़ा लिखते लिख दिया। अब जो प्रशस्ति पत्र जिसने लिया वो लेकर मेरे पास आया, भरद्वार की बात 91, वो कहता है महाराज जी ये क्या लिखा है, बाकी सब विशेषण समझ में नहीं आया, ये पंचानन कानन विराजते क्या है ये। मैंने कहा इतने समय समझ में नहीं आया, छोड़ दे रहे, मैंने कहा इतने को काला लगा दे, छुट्टी कर दे, कहाँ दिमाग खराब हो रहा है। लोग ऐसे हैं प्रशस्ति ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं उसे क्या प्रशंसा लिखी गई, अर्थ भी पता नहीं, संसार ही ऐसा हो गया है। इसलिए हम कहते हैं देखो अनुरूप होनी चाहिए, अपने शक्ति सामर्थ्य अतिक्रमण करके नहीं चलना चाहिए। शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, इस यथाशक्ति यथोचितम यथासंभवम, ये सब शब्द इससे बनता है, संभावना अनतिक्रम्य इति यथासंभवम, औचित्यम अनतिक्रम्य इति यथोचितम,
शक्ति मनुक्रमिति यथाशक्ति, ये सब यहां पर क्या कर दिया, शक्ति अम और पदार्थ अनित्यक्रम्य अर्थ में यथा को ही रख दिया, यथा अव्यय को ही रख दिया, शक्ति अम यथा, शक्ति अम यथा। आप अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भाव सूत्र समास हुआ, समास प्रासंगिक प्रातिपदिक शुभलुक हो गया, तो शक्ति यथा रह गया, यथा शब्द का उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन पुरुष प्राप्रयोग यथाशक्ति, विदंत होने से अव्यय संज्ञा समस्त रूप का लुक हो गया, यथाशक्ति 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 इत्यादि रूप होगा, सर्वत्र एक जैसा रहेगा यथाशक्ति। सादृश अर्थ में तो अंत में देंगे, इस बीच में एक और सूत्र ला रहे हैं, अव्यय भावे च अकाले, अविभावे च अकाले, अविभावे च अकाले, अविभावे सप्तमी का एक वचन, च अव्यय अकाले सप्तमी का एक वचन, तीन पद, सहस्य सहस्याद अविभावे नतु काले, सह शब्द के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है, अव्यय भाव समास किया गया है तो, लेकिन वह उत्तर पद वहां कालवाचक न हो तो अकाले, परंतु काल अर्थ में ना हो, काल अर्थ नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी अर्थ हो, अवेल सब अभाव समास किया गया हो तो सह शब्द के स्थान पर स या आदेश कर देना, सह क्या है, खुद एक अव्यय है, सह एक अव्यय है, उसके जगह पर स आदेश कर देंगे, दृष्टांत और स्पष्ट होगा, हरे हे सादृश्यम, विग्रह वाक्य क्या, हरि का सदृश कौन है, हरि का सदृश प्रद्युम्न, हरि का सदृश प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का सदृश अनिरुद्ध, बस उससे आगे सादृश्यता नहीं, वहीं तो सादृश्यता है, तो हरे है सादृश्यम, इस अर्थ में क्या हुआ, हरि नस, सादृश्य अर्थ में सह, ऐसा लिखोगे ये गलत है, हरिंगस सह लिखना गलत है, भले हम बोलेंगे हरे हे सादृश्यम, विग्रहवाक्य भले हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सह का योग में सदा तृतीया विभक्ति होती है, सूत्र है पाणिनि का, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने से क्या हो जाएगा, तृतीया, इसे विग्रहवाक्य में हम दस ही लिखेंगे, काली हरि ता सह, हरि ता सह, हरि ता सह, ये विग्रह वाक्य में दिया जाएगा, तो हरि ता सह ये विग्रह वाक्य बनेगा, इसलिए हरि गस नहीं लिखने का, क्योंकि सह का योग में सदा तृतीय विभक्ति होती है, पंचमी षष्ठी आदि नहीं होते हैं, बोलेंगे हम विग्रह वाक्य लौकिक विग्रह वाक्य में कहूंगा षष्ठी, हरे हे सादृशम, हरि का सदृश है जो, लौकिक विग्रह वाक्य में षष्ठी बोला जाएगा, किंतु अलौकिक विग्रह वाक्य में जब लिखूंगा तब क्या लिखना पड़ेगा, तृतीया, क्योंकि सादृश शब्द सावे बेलाया और सावे का योग में सदा तृतीय विभक्ति होती है, व्याकरण का पाणिनि का सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधान, इसलिए हरि ता सह, इसी तरह अव्यय भाव समास हुई, समास होता प्रश्न गया, प्रातिपदिक शुभलोप हो गया, हरि सह रह गया, सह का उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा होने से प्राक प्रयोग हो गया सह हरि, इस अवस्था में सूत्र लगा अव्यय भावे च अकाले, ये समस्त पद के द्वारा काल रूपी अर्थ मालूम हो रहा है क्या, नहीं, काल रूपी अर्थ क्या मालूम नहीं हो रहा, क्या अर्थ मालूम हो रहा है, हरि का सदृश कोई दूसरा आदमी, सादृश्यता हमेशा कहां होता है, तद भिन्नत्व सती तद्गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम, ये लक्षण है, भिन्न में तो सब कुछ है ही है, भिन्न तो पशु भी हो जाएगा, लेकिन हरि का सदृश थोड़ी है वो, किंतु भिन्न सादृश्यता कहाँ देखी जाती है, तद भिन्नत्व सती तद्गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम, है ना, चंद्रमा इव मुखम यस्या सा चंद्रमुखी, पर्वत है ना, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, अमुगे टेढ़ी मेढ़ी चपटी सपटी हो तो साज से घटेगा क्या, यूं लंबी हो मुख चेहरा
गोल चेहरा में तो घटाओगे, जिस स्त्री की चेहरा गोल हो, गोरी भी होना जरूरी है, काली हो तो नहीं चलेगा। चंद्रमा काला नहीं ना, चंद्रमा गोरा है, गोल है, गोल है, गोरा है और कैसा है, आह्लाद है, क्या है, मुस्कान युक्त है, क्रोध करने वाले हमेशा आंख लाल किए वही हुई खड़ी हुई है, क्रोध आ गए इसमें दुर्गा महारानी, तो फायदा क्या, ऐसे को चंद्रमुखी नहीं कहने का। इसे गोल भी हो, सुंदर भी हो, प्रसन्न चेहरा हो, मुस्कुराती भी हो, आकर्षक हो, आपके जो सारा गर्मी का ताप को ठंडा कर देने वाली हो, उसको देखते ही आदमी का थकान, आदमी के अंदर गर्मी सब शांत हो जाना चाहिए। ऐसी स्त्री कोई हो तब तो चंद्रमुखी का है, तब तो भूयो साधिष्ट है ना, तभी तो भूयो साथ। चंद्रमा क्या है, गोल है, गोरा है, सुंदर महसूस होता है, देखते ही प्रसन्नता होती है, दिन की गर्मी से ताप जो हुआ था वह शांत हो जाता है, होता ही नहीं होता है। ये सब यदि होता हो तो उस औरत को चंद्रमुखी क्या नहीं तो ताम्रमुखी, अरे सूर्यमुखी तो बाद में होगी, ज्वालामुखी। हम लोग कहते हैं ना, देखा था तो चंद्रमुखी थी, देखा जब तो चंद्रमुखी थी, थोड़ा गौर से देखा तो हसमुखी हुई। मुस्कुराती है ना, जब लड़का देखता है तो लड़की क्या करती है, हंसती है, मुस्कान करती है। तो देखा फोटो में तो चंद्रमुखी थी, जब सामने देखा तो थोड़ा गौर से तो हसमुखी हुई। इसलिए शादी करके घर लाया तो हो गई वो ताम्रमुखी, बात बात पे छिड़ के लाल टमाटर होती थी तो ताम्रमुखी हो गई। तो वो ताम्रमुखी हुई तो मैं ताम्रमुखा हो गया, तो काम बिगड़ गया, वो ज्वालामुखी हो गई। वो आपको खाने लग गई खाने का मत, ज्वालामुखी हो गई। बहुत कठिन काम है संसार, ऐसा ही है ना। सह के स्थान से क्या हो गया, स आदेश कर दिया, स हरि बन गया प्रातिपदिक, सह के जगह पर स आदेश हो गया, सह को स आदेश कर दिया आपने तो स हरि के प्रातिपदिक बन गया। पूर्वत अवे भाव से अव्य संज्ञा, अवे दाव से पर शुभ लुक का लुक हो गया, अदंत न होने के नाते सभी पूरे शुभ का लुक हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, स हरि स हरि स हरि स हरि स हरि स हरि, ये रूप बनेगा। आप अनुपूर्वेण अर्थ में समास करना चाहते, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुपूर्वी है अर्थात ज्येष्ठ के क्रम से तद उत्तरवर्ती है, यह उससे अगला वाला है, यह ज्येष्ठ के अगला वाला क्या है, यदि वही अंत होगा तो कनिष्ठ हो जाएगा, नहीं तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ के बीच में और भी होंगे तो उनको क्या कहेंगे, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ पुत्र हो गया, अरे कनिष्ठ पुत्र है अंत वाला, तब ज्येष्ठ और कनिष्ठ के बीच वालों को एक एक क्रम से क्या कहेंगे, ये उससे अनुज्येष्ठ हो गया दूसरे वाला, वो दूसरा भी ज्येष्ठ है तीसरे की अपेक्षा से, जब तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरे की अपेक्षा से अनुज्येष्ठ हो जाएगा, और तीसरा भी ज्येष्ठ है किसकी अपेक्षा से, चौथे की अपेक्षा से, तो चौथे की अपेक्षा तो क्या हो गया, अनुज्येष्ठ हो गया, और पांचवें की अंतिम में तो वो कनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ का अनुपूर्वी क्रमानुसारेण अगला 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 कर दिए जाएंगे, उन प्रत्येक को उपूर्व पूर्व ज्येष्ठ हो जाता है, उत्तर उत्तर अनुज्येष्ठ कहा जाएगा। उस अर्थ में शब्द बना रहे हैं ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, ज्येष्ठंगस अनुपूर्वेण अर्थ में अनु का प्रयोग होगा, अनुपूर्वेण अर्थ में अनु का प्रयोग होगा, ज्येष्ठ अंगस अनु, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भाव से समास हुआ, समास प्राथमिकता शुभलोक, तो स्थिति रहा ज्येष्ठ अनु, अनु का उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन प्रयोग हो गया अनुज्येष्ठ, अदंत पूर्व दिया पर नावे बाद तो अंत पंचम्य तृतीय सप्तमी और बौड़म से
अम प्रत्यय सुख के स्तर पर आदेश हो जाएगा। व्यवस्था के अनुसार प्रथमा द्वितीय चतुर्थी षष्ठी नित्य आदेश हो जाएगा, पंचमी में आदेश होगा ही नहीं, तृतीय और सप्तमी में विकल्प से हो जाएगा। जब आम आदेश होता है तो अनुज्येष्ठ धन सु सुख हो गया, अनुज्येष्ठ धनाम प्राप्त आकर्षण दीर्घ बाध्य अतगुणे उसको भी बाध्य आध गुण उसको भी बात करके आपने कर दिया अमी पूर्व। अमी पूर्व क्या करता है, पूर्व रूप एक आदेश कर दिया अनुज्येष्ठम 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 अनुज्येष्ठेन अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठाभ्याम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठी अनुज्येष्ठम 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 अनुज्येष्ठा अनुज्येष्ठा अनुज्येष्ठाभ्याम अनुज्येष्ठेभ्य अनुज्येष्ठम 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 अनुज्येष्ठे अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठयः अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठेश। हे अनुज्येष्ठम हे अनुज्येष्ठम हे अनुज्येष्ठ संबोधन में भी हम ही हो जाएगा। इस प्रकार